प्रदेश में मंडी संसदीय उपचुनाव सहित तीन विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष व विपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार पर बीते 3.5 वर्षों में क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और सड़कों सहित पेयजल व स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता हो गई है। ऊपरी शिमला की जीवन रेखा है और मैं तो अक्सर भाजपा के लोगों को कहता हूं कि आपकी उपलब्धि मैं तब मानूंगा अगर अपने कार्यकाल के दौरान जो 8% के आसपास कार्य शेष रहा है आप इसको मुकम्मल करते हैं। मात्र 8 पुल बनने थे, 8 में से भी 5 पुल ऐसे हैं जो आपके लगभग 50% बन चुके थे। वर्तमान सरकार इन 3.5 वर्षों में उसको भी करने में विफल रही। सेंट्रल रोड फंड के तहत जहाँ पूरे प्रदेश को 941 करोड़ के आसपास की राशि मिली है, जुब्बल कोटखाई की एक भी स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। पीएम जीएसवाई के तहत लगभग कोई 2293 करोड़ की स्कीमें पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई, जुब्बल कोटखाई का उल्लेख नहीं है।